हरदा में वन सीमा को लेकर आए दिन आदिवासियों और वन अमले के बीच मतभेद होते रहते हैं। ऐसे में वन सीमा तय करवाने के लिए आदिवासी एकजुट हो गए हैं। आदिवासियों ने वन विभाग को वन सीमा निर्धारित करने के लिए ज्ञापन दिया है। हरदा में वन विभाग के अधिकारी व आदिवासियों के बीच आए दिन जमीन को लेकर विवाद होते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत रैसलपुर में सैकड़ों आदिवासियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से वन मंत्री के नाम फॉरेस्ट एसडीओ रमेश राठौर को ज्ञापन सौंपकर वन सीमा निर्धारित करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि वन कर्मियों और आदिवासियों के बीच जमीन सीमा को लेकर आए दिन लड़ाइयां होती रहती हैं। वन न्यायालय में इस प्रकार के कई मामले भी लंबित हैं, जिसके चलते आदिवासियों को परेशान होना पड़ता है। आदिवासियों ने मांग की है कि 15 दिन के अंदर वन विभाग व राजस्व विभाग अपनी सीमा सुनिश्चित कर आदिवासियों को उनकी जमीन की सही जगह बताए, जिससे कि वे खेती बाड़ी कर सके। हमको भी सूचना मिली थी कि रैसलपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो चार गांव हैं, झीरी, झल्ला, रैसलपुर और गोटी वाले, इन लोगों के मन में कुछ आक्रोश था वन विभाग के प्रति। क्यों था इसका तो कारण नहीं पता, पर जब आज मैंने इनसे बैठ के मिलकर चर्चा करी तो इनको बताया कि आप लोगों के पास में जो भी है जानकारियाँ वो सब गलत हैं जी, और ख़ास करके ये चाहते हैं कि वन और राजस्व की सीमा का एक समाधान हो जाए। तो उसके लिए मैंने इनसे बताया, सोमवार को मैं इस संबंध में राजस्व के अधिकारियों से चर्चा करूँगा। आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए थे कि हमारे जो पूर्वजों द्वारा जमीन थी कृषि कार्य करने वाली, वो जमीन वर्तमान में अभी वन विभाग के कब्जे में है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने उस पर कृषि कार्य करना छोड़ दिया जब वन विभाग ने उसके कब्जे में ले लिया। तो पर अभी 2-4-8 साल से ये हो रहा है कि वही जमीन पे दूसरे लोग आकर के और कृषि कार्य कर रहे हैं। ये मांग करते हैं कि हमको हमारा जो राजस्व का नक्शा है और वो हमको मिले, इसलिए हम डीओ साहब को आवेदन दिए ताकि हमको भी पता लगे कि हमारा जमीन कहाँ से कहाँ तक है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।